बिहार की सियासत में खरमास के बाद देखने को मिल सकता है देखिए राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और ये सब होता रहता है। क्या अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे देखिए हमारे स्वागत करने या न करने से कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि इकतीसो सीट पर वो तैयारी कर रही है बिहार शेयरिंग तो का फॉर्मूला जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है देखिए कोई भी पार्टी हो हर पार्टी की तैयारी हर सीटों पर होती है उसी तरह से हम पार्टी भी और हमारे साथ जो गठबंधन है लोजपा आर के जो साथी हैं माननीय को भूपेंद्र कुशवाहा जी हैं वो सब लोग अपने अपने हिसाब से सभी सीटों पर तैयारी करते हैं बहुत ज्यादा राम मंदिर ट्रेंड, ट्रेंड में है क्योंकि बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की तो इसको लेकर के आप लोग क्या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो हम की आस्था है सनातन के प्रति हम लोग की आस्था है भगवान श्री राम में भी आस्था रखते हैं और जो न्योता कांग्रेस को भेजा गया था उसे अस्वीकार कर दिया गया कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है देखिए भारतीय जनता पार्टी इसमें है ही नहीं कहीं पर नमस्कार दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ दक्षा प्रिया बिहार की सियासत में इन दिनों एक बार फिर से कुछ ना कुछ सुख देखने को मिल रही है कहा जा रहा है कि खरमास के बाद कुछ अलग देखने को मिल सकता है तो इसी पर इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन मांझी मौजूद हैं सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका जी जी बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत धन्यवाद लगातार अब कयासों का दौर तेज हो गया है जिस तरीके से सुख बुगाहट एक बार फिर से तेज है कहा जा रहा है कुछ अलग एक बार फिर से बिहार की सियासत में खरमास के बाद देखने को मिल सकता है देखिए राजनीति तो संभावनाओं का खेल है और ये सब होता रहता है लेकिन कुछ इस तरह की बातें आती रहती है जिसका कोई सच्चाई से लेना देना नहीं होता है जहाँ तक अगर व्यक्तिगत तौर पर हमसे पूछेंगे तो हम मुझे इस चीज़ों की जानकारी नहीं है बाकी माननीय नीतीश कुमार जी इसलिए लोग कयास लगाते हैं कि पहले से भी बहुत सारा ऐसी घटना घट चुकी है बिहार के राजनीति में और अदला बदली हुआ है जिसी कारण से तेजस्वी यादव जी उनको पलटू राम पलटू चाचा बोला करते थे लेकिन जहाँ तक हम लोग की बात है तो हमारी जब पार्टी है भारतीय मैंने हम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है जो एनडीए गठबंधन है हम लोग सब मिल करके के सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और हम समझते हैं कि हम लोग की तैयारी पूरी हो चुकी है और हम लोग किसी को जरूरत नहीं है बाकी कोई आएंगे कौन जाएंगे इसका डिसीजन हमारा हमारी पार्टी नहीं करेगी और भारतीय जनता पार्टी बड़े घटक दल हैं उनको सोचना है माननीय नीतीश कुमार जी क्या सोच रहे हैं क्या करेंगे वो उन उनके ऊपर डिपेंड करता है इसलिए उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ राजनीति में कुछ भी हो सकता है इस बात से मैं सहमत हूँ अच्छा, क्या अगर नीतीश कुमार आना चाहते हैं तो आप लोग स्वागत करेंगे देखिए हमारे स्वागत करने या ना करने से कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है हम तो कह रहे हैं कि हम चालीसों सीटों पर तैयारी कर रहे हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े बाई के तौर पर हमारे गठबंधन के रूप में है अगर उनको लगता है उनके शीर्ष नेताओं को लगता है यहाँ के नेताओं को लगता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं व्यक्तिगत तौर पर हम हमें कोई आपत्ति नहीं है माननीय नीतीश कुमार जी के आने से और जाने से हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं और अपनी पार्टी का विस्तार करने में लगे हुए हैं और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे जीते अपने सहयोगों को कैसे मदद करें इस पर हम लोग पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं अच्छा भारतीय जनता पार्टी का भी कहना है कि इकतीसों सीट पर वो तैयारी कर रही है बिहार तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है वो कुछ समझ में नहीं आता देखिए कोई भी पार्टी हो हर पार्टी की तैयारी हर सीटों पर होती है भारतीय जनता पार्टी इकतीस नहीं चालीसों सीटों पर तैयारी कर रही है उसी तरह से हम पार्टी भी और हमारे साथ जो गठबंधन है लोजपा आर के जो साथी हैं माननीय भिपेंद्र कुशवाहा जी हैं वो सब लोग अपने अपने हिसाब से सभी सीटों पर तैयारी करते हैं उसके पीछे एक ही कारण होता है कि हमारे कार्यकर्ता मजबूत होंगे हमारी पार्टी का वहाँ पर उपस्थिति होगा तो हम हमको जितना सीट मिलेगा वो तो हम लड़ेंगे ही लेकिन हम अपने सहयोगियों को भी मदद कर सकते हैं इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है निश्चित तौर पर सब जगह तैयारी रहती है लेकिन अभी तक कोई डिसीजन नहीं हुआ है अभी तक हम लोग बैठे नहीं है कि कौन कितने सीटों पर लड़ेगा कौन सी सीटों पर लड़ेगा हम समझते हैं कि इस मंथ के एंड में चाहे फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में सब डिसीजन हो जाएगा तब हम लोग को पता होगा कि हम लोग कौन सीट लड़ रहे हैं बाकी तैयारी तो हम लोग सभी सीटों पर कर रहे हैं अच्छा राम मंदिर को लेकर के आजकल बहुत ज्यादा राम मंदिर ट्रेंड, ट्रेंड में है क्योंकि बाईस जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम की तो इसको लेकर के आप लोग क्या प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो देखिए हम लोग की आस्था है सनातन के प्रति हम लोग की आस्था है और भगवान श्री राम में भी आस्था रखते हैं और सभी धर्मों को हम लोग मान मानते हैं और अगर हम लोग को न्योता मिलता है ऐसे भी हम लोग अयोध्या तो जाएंगे ही लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एक फिक्स तारीख को ही जाए बाईस तारीख को लेकिन अगर न्यौता मिलता है हम लोग को इस तरह का कोई आता है ट्रस्ट के द्वारा मंदिर कमेटी के द्वारा तो हम लोग निश्चित तौर पर जाएंगे खुशी होगी हम लोग कि हम लोग भी उसके गवाही बने उसके साक्षी बने जहाँ पाँच साल के इंतजार के बाद मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है एक धर्म हिंदू धर्म के जो आस्था का प्रतीक है वहाँ पर जा के उस गौरवशाली इतिहास के गौरवशाली पल को हम लोग भी देख सकें उसके साक्षी बने हम लोग का लिए अच्छी बात है लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है अगर नहीं आया तो हम लोग बाद में भी जाएंगे कांग्रेस अच्छा की तरफ से सर जो न्योता कांग्रेस को भेजा गया था उसे अस्वीकार कर दिया गया कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है देखिए भारतीय जनता पार्टी इसमें है ही नहीं कहीं पर ये तो माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय के द्वारा उस आ, हुआ है उनके निर्देशन में एक डेट बना है दोनों पक्ष को जगह जगह जमीन दी गई उस पक्ष को भी दी गई उनको भी बनाने के लिए कहा गया और राम लला राम मंदिर का निर्माण होने के बाद जो ट्रस्ट की तरफ से सब जगह न्यौता आ रहा है तो देखिए अगर कोई भी पार्टी है हिंदुस्तान में जब आप हैं जिसको आप हिंदुस्तान कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी कहती है और कहती है कि सेकुलर कंट्री है और वो देश की सबसे बड़ी पार्टी एक ज़माने में थी और सबसे शुरुआती दौर में उनकी पार्टी रही है अगर उनको न्यौता आया है तो हम समझते हैं कि धर्म के प्रति वो एक तरह से एक धर्म के प्रति उनके मन में भावना उसी नहीं है क्योंकि एक हमारा एक 140 करोड़ की जनसंख्या में 100 करोड़ से ज़्यादा लोग हिंदू हैं 80 परसेंट लोग हमारे हिंदू हैं 20 परसेंट में सब लोग आते हैं और उस तो धर्म के एक प्रतीक के रूप में उनको न्योता मिलता है और उसको ठुकरा देते हैं इसका एक ही मतलब होता है कि वो इस धर्म को नहीं मानते हैं किसी एक धर्म में बंधे हुए हैं अपने आप को सेकुलर कहते हैं लेकिन सेकुलर नहीं है तो ये ये दर्शाता है हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दूसरे लोगों को नहीं मानिए दूसरे लोगों में नहीं जानिए लेकिन एक तरह ठुकरा देने का कारण सिर्फ़ ये है दिखाने के लिए कि हम वहाँ नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी करिए भारतीय जनता पार्टी कहाँ ने होता दे रही है उनके 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 प्रधानमंत्री कहाँ बुला रहे हैं आप उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ बुला रहे हैं एक तो आपको जाना हम समझते हैं कि जाना चाहिए एक ऐसे पल पल में जाना चाहिए जो देश के गौरव की बात है हमारे सनातन की बात है हमारे देश के सदियों ऐतिहासिक पौराणिक पुर, हमारे जो धरोहर है उस उसके प्रतीक है जो मंदिर अयोध्या में बन गया है और उसके प्राण प्रतिष्ठा होना है उसके गवाही के लिए देश दुनिया के लोग आ रहे हैं सब लोग देश के सभी लोग पैदल जा रहे हैं तो ये आस्था का प्रतीक है हम समझते हैं वो ठुकराने से उन अस्सी परसेंट हिंदुओं को शौक करोड़ हिंदुओं के वो आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं ये चीज़ पूछना चाहेंगे आपकी पार्टी हमेशा से हिंदू हो या मुस्लिम हो सभी को सपोर्ट करती आई है तो जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले दिनों आर के कुछ विधायक हों या फिर नेताओं द्वारा हिंदू धर्म पर विवादित बयान दिया गया हिंदू धर्म पर विवादित बयान देने के साथ साथ ये भी कहा गया कि हिंदुओं का लोगों का टैक्स का पैसा बर्बाद किया जा रहा है इसके अलावा काल्पनिक भी बताया गया कई लोगों के द्वारा तो मतलब ऐसी होड़ क्यों मचती है विवादित बयान देने की सर क्या देखिए ये फुहड़ता का प्रतीक है सस्ती लोकप्रियता जैसे कुछ लोगों को अकबकाट होता है फेमस होने के लिए और उनको मौका नहीं मिलता है आप लोग का टेंशन नहीं मिलता है तो कुछ ऐसी बातें कर दो जिसके कारण हम फेमस हो जाएं बाकी और कुछ नहीं है जहाँ तक वो बोलते हैं कि जो पैसा मस्जिद मंदिर बनाने में जो खर्च हो रहा है स्कूल बनाया जाए यही बात वो तो दूसरे धर्म के प्रति बोल सकते हैं वो कह सकते हैं कि मस्जिद मत बनाओ वहाँ भी स्कूल बना दो ये क्षमता नहीं है तो वोट के खातिर लोग इस स्तर पर गिर जाएंगे किसी के आस्था के साथ खिलवाड़ करेंगे उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करेंगे मान लीजिए कि आप किसी धर्म को मानते हैं किसी पंथ को मानते हैं और आप किसी देवी देवता को मानते हैं और हम उनके बारे में भरा भूला करेंगे आप बुरी बात कहेंगे अच्छी बात नहीं कहेंगे उनके बारे में आप शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपको कैसा लगेगा आपकी भावना कितनी ठेस पहुंचेगी तो जो भी राष्ट्रीय जनता दल के जो भी माननीय विधायक बोल रहे हैं चाहे उनके नेता बोल रहे हैं कम से कम उनको इस बात से सोचना चाहिए इस बात के प्रति उनको सजगता बरतनी चाहिए कि हम किसी एक व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं हम पूरे समाज या पूरे धर्म के बात बोल रहे हैं जो कि पूरे एक सौ करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करता है और आपको अधिकार संविधान ने नहीं दिया है नैतिक रूप में भी आपको अधिकार नहीं है कि आप किसी लोगों के प्रति किसी धर्म के जो आस्था रखते हैं जो कट्टर जो उनकी पूरी समर्पण है उस धर्म के प्रति उसके खिलाफ आप इस तरह के अपशब्द का प्रयोग करें इस तरह के अपशब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए उनको सीख लेना चाहिए आप किसी धर्म को मानिए नहीं नहीं किसी धर्म को मानिए आप कुछ भी कीजिए लेकिन किसी दूसरे के ऊपर टिप्पणी करने का आपको अधिकार न संविधान देता है न नैतिकता का कोई अति है न ही इंसानियत का यह मानवता का सूल है एक बार फिर से अभी बिहार के शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को लेकर आप शब्द कहा सीतामढ़ी में उन्होंने अभी बयान दिया देखिए मैंने बोला ना सस्ती लोकप्रियता की बात कर रहे हैं वो तो ऐसे व्यक्ति हैं कि बजट के में भाषण देना है तो रामचरित्र मानस का पाठ कर रहे हैं तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को नहीं पहचानता है अपने अधिकारों को नहीं जानता है उनको जो संविधानिक दायरा जो मिला हुआ है संविधानिक पद मिला है उसकी महत्ता को नहीं जानते हैं इसी कारण से देख रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है मंत्री रहते भी उनके प्रधान सचिव उनके जो अधीनस्थ सचिव होते हैं उनकी बात नहीं सुनते हैं वो मंत्री हैं भी लेकिन उनको कोई नहीं जानता कि शिक्षा विभाग में वो कुछ काम भी कर रहे हैं तो मानसिक दिवालियापन जिसको हम कह सकते हैं वो बात है अब कुछ, कुछ किसी के बारे में उल बात करके आप थोड़ा देर के लिए फेमस हो सकते हैं लेकिन आप आगे नहीं चल सकते हैं उसको ले जनता सब समझ रही है और जिस समाज को रिप्रेजेंट करते हैं जो समझते हैं कि उस समाज का मुझे वोट मिल जाएगा जहां से वो जीत के आते हैं उस समाज उनका आधा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं वो भी उस धर्म को मानते हैं जिस वो भी राम के प्रति उनकी भी आस्था है सबके प्रति आस्था है उसके खिलाफ वो इस तरह की अपशब्द की भाषा का प्रयोग करते हैं चाहे किसी माननीय नरेंद्र मोदी जी के ही खिलाफ़ हो जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के गौरव के प्रतीक हैं तो इस तरह का भाषा तो का इस्तेमाल करके आप थोड़ा देर के लिए मीडिया में आ जाइएगा लेकिन आपका चरित्र आपका जो व्यवहार है वो जनता समझती है और आने समय समय में सही समय में पर सही पर जवाब दिया जाएगा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक को लेकर जिस तरीके से लगातार चर्चाएं होती रहती है अभी एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है एक लेटर जारी किया गया है लेटर वायरल हो रहा है और उनके इस्तीफे की खबर सामने आ रही है इसकी जानकारी मुझे नहीं है इस्तीफा दिया है किस बात का इस्तीफा पद से दिया है कि भार पदयुक्त जो भार उनको मिला प्रभार मिला उससे विमुक्त होना चाहते हैं और क्या है इसकी जानकारी जब कोई चाहे मेरे पास आधिकारिक रूप में इसकी कोई जानकारी नहीं है तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूं हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं अच्छा, बच्चियों के साथ एक से सामूहिक दुष्कर्म की बात सामने आ रही है जी निश्चित तौर पर ये हम लोग सबके लिए एक समाज के लिए घिनौना कार्य जो जो उन लोगों ने किया है हर समाज के हर तबके को संवेदना उनके प्रति व्यक्त करना चाहिए क्योंकि हम मानव हैं अब मानवता शर्मसार हुई है उस कम उम्र की छः साल की हमारी बच्चियाँ चाहे किसी समाज की हो वो उनके साथ इस तरह का हैवानियत किया गया है दरिंदगी की गई है इसको अब जितना भर्सना करें जितनी इसकी बुराई करें वो कम होगा और इस तरह के जो आजकल आए दिन बढ़ गया इससे लगता है कि जो जंगल राज की कल्पना और जिस डर से लोगों ने परिवर्तन किया था सत्ता परिवर्तन किया था वो जंगल राज पार्ट टू सही में आ गया है क्योंकि परोक्ष परोक्ष रूप से सत्ता के संरक्षण वाले लोग ही इस तरह की घटना का अंजाम दिए हैं बहुत निंदनीय है और हम सब इसकी बर्सना करते हैं और हम पूरे उस परिवार के साथ हैं उन बच्चियों के साथ हैं अपनी बेटियों के साथ हैं और हम पार्टी उनके लड़ाई लड़ने के लिए सदैव तैयार है हमारे है, लोग हमारे पार्टी के लोग भी गए हैं कल हम भी जा रहे हैं और हम लोग से जितना मदद हो सकता है पार्टी के तौर पर हम लोग करेंगे और उनकी लड़ाई उनको न्याय दिलाने के लिए भी हम लोग लड़ते रहेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से आपसे के माध्यम से कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप मत सोइए आप जिनके साथ हैं वो जंगल राज के युवराज हैं जंगल राज में जंगल में जिस तरह से भेड़ बकरी चीता और भेड़िए लोग रहते हैं उस तरह से जिस तरह से हमारी बच्चियों के साथ ये बुरा व्यवहार हुआ है और इसकी पुनरावृत्ति और ना हो इसका चलन ना हो जाए जो डर पहले लोगों का था वो डर फिर व्याप्त ना हो जाए उससे बिहार को बचाइए आपसे पूरा बिहार को आशा था इसलिए आपको इस बिहार वासियों ने आपको आशीर्वाद दे करके आपको सत्ता दिया ताकि आप शांति लाएँ लोगों में विश्वास पैदा करें वो विश्वास और शांति फिर टूटता हुआ नजर आ रहा है अभी समय है कि आप संभल जाइए और इस राज्य को बचा लीजिए धन्यवाद तो ये थे हमारे साथ बिहार के पूर्व मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन मांझी जिनसे हम खास बातचीत कर रहे थे कैमरा पर्सन ऋतिक के साथ मैं दक्षा प्रिया दर्श न्यूज़ पटना